अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। लेट्स स्टार्ट क्लास वन, सब्जेक्ट ऑफ साइंस। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर वन। साइंस का चैप्टर नंबर वन जो है वो आपका है द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के बारे में। आज हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। When you look in a mirror, जब आप शीशे में अपने आप को देखते हो, you see your body, आप अपने जिस्म को देखते हो। Your body is made of many parts, आपका जो जिस्म है वो काफ़ी parts से, काफ़ी हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। Each part of your body has a name, आपके जो body parts, जितने भी जिस्म के हिस्से हैं उन सब का एक नाम है। Like nose, ear, माउथ, आइज, चेस्ट, स्टमक, थंब, नी, टो। ठीक है, इसी तरह काफ़ी और बॉडी पार्ट्स हैं आपके जिस्म के, ठीक है, जो मुख्तलिफ पार्ट्स से मिलके आप लोगों का बॉडी बना हुआ है। नेक्स्ट है, ईच पार्ट हैज अ जॉब टू डू, हर पार्ट के पास एक काम होता है करने के लिए। लाइक माउथ क्या करता है, वी यूज आवर माउथ टू ईट एंड स्पीक, हम अपने मुंह को इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए और बोलने के लिए। वी यूज हैंड टू होल्ड थिंग, हम हाथों को इस्तेमाल करते हैं चीजों को पकड़ने के लिए। वी यूज आवर फीट टू रन, वॉक एंड मूव, हम अपने पाँव को इस्तेमाल करते हैं भागने के लिए, चलने के लिए और मूव होने के लिए। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सब जो हैं वो इंसान हैं। अब इसके किसके बारे में बताया गया है, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन एंड बेबीज। ठीक है, बॉय, गर्ल, वुमेन, मैन एंड बेबीज, ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ये सब इंसान हैं। आवर बॉडीज वर्क इन द सेम वे बट वी ऑल लुक डिफरेंट, हम सबका जो जिस्म है वो एक ही तरह से हरकत करता है, लेकिन सब के सब जो हैं वो दिखने में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में, जानदार के बारे में। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल लिविंग थिंग्स, नूहे इंसान, पौधे और तमाम जानवर जो हैं वो सबके सब जानदार कहलाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स सांस लेना, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनको जिंदा रहने के लिए जो है वो सांस लेने की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, तमाम जानदार जो चीज़ें हैं उनको खाने की, एंड वाटर और पानी की, टू स्टे अलाइव एंड टू ग्रो, जिंदा रहने के लिए और उनको बढ़ने के लिए पानी की और खुराक की ज़रूरत होती है। ठीक है, ग्रोइंग अप क्या होता है, ग्रोइंग अप बढ़ना। ओनली लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ही सिर्फ ग्रो कर सकती हैं, भर सकती हैं, फल फूल सकती हैं या नशीनुमा पा सकती हैं। अ बेबी गर्ल ग्रो अप टू बी अ वुमेन, एक जो बेबी गर्ल होती है वो ग्रो अप होके एक वुमेन बन जाती है। अ बेबी बॉय ग्रो अप टू बी अ मैन, एक बेबी बॉय जो होता है वो बड़ा होकर मैन बन जाता है। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ग्रो, पौधे और जानवर जो होते हैं वो भी फलते फूलते और नशोनुमा पाते हैं। ठीक है, लाइक ये देखो, काओ का जो छोटा सा बेबी है जब ये बड़ा हो जाएगा तो एक काओ बन जाता है। ठीक है, टीनी प्लांट्स ग्रो इनटू लार्जर प्लांट्स और ट्री। ठीक है, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो भी बड़े होकर दरख्त की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। बेबी एनिमल्स ग्रो एंड बिकम अडल्ट एनिमल्स, जो बेबी एनिमल्स होते हैं, बच्चे जो होते हैं एनिमल्स के, वो बड़े होकर अडल्ट बड़े एनिमल्स बन जाते हैं। व्हाई डू लिविंग थिंग नीड फूड, ठीक है, जानदार चीज़ों को खुराक की ज़रूरत क्यों होती है। ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग नीड फूड टू स्टे अलाइव, तमाम जानदार चीज़ें, पौधे, इंसान और जानवरों को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। फूड हेल्प अस टू ग्रो, जो खाना होता है वो हमें फलने फूलने के लिए बढ़ने में मदद देता है। इट गिव अस एनर्जी, ये हमें ताकत देता है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, पौधे जो होते हैं वो अपनी खुराक जो है वो खुद बनाते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, कुछ जो जानवर होते हैं वो पौधे खाते हैं। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, और कुछ जो जानवर होते हैं वो दूसरे जानवरों को खाते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स ईट फूड दैट कम फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो नए इंसान होते हैं वो फूड लेते हैं, खाना खाते हैं जो कि जानवरों से और पौधों से हमें दोनों तरीके से हासिल होता है।
लाइक चिकन, बीफ, मटन, ये हमें जानवरों से हासिल होता है. एप्पल और टोमेटोस, कैरोट और ये सब जो चीज़ें होती है ये हमें पौधों के ज़रिए हासिल होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे अब हम इसकी करते हैं एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में है विच पार्ट ऑफ बॉडी डू यू नीड टू होल्ड अ पेंसिल. इन चारों में से कौन सा पार्ट है जिसको आप पेंसिल पकड़ने के लिए आप यूज़ करते हैं. फिंगर्स, टॉज, नेल्स एंड एल्बो. हम फिंगर्स के ज़रिए जो है वो अपनी पेंसिल को पकड़ सकते हैं. व्हाट डज अ किटन ग्रो. किटन जो होती है, बिल्ली का जो बेबी छोटा होता है वो बड़ा होकर किस में चेंज होता है, कैट में. ठीक है, हाउ मेनी थम्स डू ह्यूमन हैव. इंसान जो होते हैं उनके कितने अंगूठे होते हैं, थम्स होते हैं, टू. विच ऑफ दीज आर लिविंग थिंग. इन सब में से कौन सी चीज़ जो है वो लिविंग थिंग है. क्रो, बाइसाइकिल, हैट और पेंसिल है. ठीक है, ये बेजान चीज़ें हैं, ये जानदार चीज़ें नहीं हैं. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. इनमें से कौन सा जो है वो इंसानी जिस्म का हिस्सा नहीं है. हेड, हेड भी है, नेक, नेक भी है, बैक भी है, टेल, दुम, इंसानी जिस्म की टेल नहीं होती है. नेक्स्ट आप लोग के टिक मार्क है. ठीक है, ऑल ह्यूमन बींग्स लाइफ है एज बेबीज. तमाम जो नए इंसान होते हैं उनकी ज़िंदगी जो होती है वो शुरू होती है बेबीज से. ये ठीक है. ऑल लिविंग थिंग नीड एयर. तमाम इंसान जो जानदार चीज़ें होती हैं उन्हें हवा की ज़रूरत होती है. ये भी ट्रू है. ऑल चिल्ड्रन लुक द सेम. तमाम बच्चे एक जैसे लगते हैं, नहीं, हर बच्चे की अपनी पहचान होती है. प्लांट्स डू नॉट नीड फूड टू ग्रो. पौधों को ज़रूरत नहीं होती खाने की, जिससे जी वो बढ़ सके, नहीं, उनको भी ज़रूरत होती है कुछ बढ़ने के लिए. ठीक है, लेकिन उनको जो होते हैं वो खाने की प्रॉपर फूड की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें एयर की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत होती है, और वो अपनी जो खुराक है वो खुद बनाते हैं. ठीक है, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो. ह्यूमन बींग नूह इंसान, प्लांट्स पौधे और जानवर जो होते हैं वो ग्रो करते हैं. जी हाँ, वो ग्रो करते हैं. नेक्स्ट है आप लोगों ने टिक द लिविंग थिंग, क्रॉस द नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग्स पे आपने टिक करना है और नॉन लिविंग थिंग्स पे आपने क्रॉस करना है. ठीक है, लिविंग थिंग प्लांट्स किस में आता है, लिविंग थिंग्स में आता है. कैट किस में आता है, लिविंग थिंग में आता है. जो ऐसी चीज़ें या जो जानदार चीज़ें सांस ले सकती हैं, ठीक है, चल फिर सकती हैं या उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, धूप की, ऑक्सीजन की, हवा की, तो वो लिविंग थिंग्स कहलाती हैं. जो कार है, कार नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है, ये टॉय जो है, टॉय भी नॉन लिविंग थिंग है. हैट भी नॉन लिविंग थिंग है. टॉर्टोइस एक लिविंग थिंग है. ठीक है, स्पाइडर भी लिविंग थिंग है और होम भी नॉन लिविंग थिंग है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर बिलो, सर्कल द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर ईच एक्शन. आपने पिक्चर को देखना है और दो आपको एक्शंस दिए गए हैं, आपने उनमें से बताना है कि इस पिक्चर में कौन सा एक्शन हो रहा है. अच्छा, ये यहाँ पे एक बॉय है और वो लैपटॉप को यूज़ कर रहा है. वो लैपटॉप को यूज़ किसके ज़रिए कर रहा है, ईयर्स के ज़रिए, कानों के ज़रिए या हैंड्स के ज़रिए. तो यहाँ पे हम सर्कल करेंगे हैंड्स के ज़रिए. नेक्स्ट पिक्चर में एक जो बॉय है वो म्यूज़िक सुन रहा है. वो म्यूज़िक किसके ज़रिए सुन रहा है, आइज़ के ज़रिए या ईयर्स के ज़रिए. वो ईयर्स के ज़रिए, कानों के ज़रिए म्यूज़िक सुन रहा है. ठीक है, नेक्स्ट एक जो बॉय है वो दूरबीन से कुछ देख रहा है. इंसान देखता किससे है, आईज से देखता है. एक जो गर्ल है वो फ्लावर्स को स्मेल कर रही है. स्मेल माउथ से की जाती है, नोज से स्मेल की जाती है. हम नाक के जरिए चीजों को सूंघते हैं. ठीक है, एक बॉय है जो अपने नीज पर बैठा हुआ है. यहां पे वो बैठा हुआ है किस पे, उन्होंने पूछा नोज पे या नीज पे, वो नीज पे बैठा हुआ है. ठीक है, एक बॉय साइकिल चला रहा है, किससे, हेड से चला रहा है, सर से चला रहा है या लेग से, वो लेग से चला रहा है. ठीक है, एक गर्ल है यहाँ पे कुछ खा रही है. वो खा किसके ज़रिए रही है, ईयर के ज़रिए, माउथ के ज़रिए, माउथ के ज़रिए खा रही है. ओके स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन, आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है और चैप्टर नंबर जो 1 है ह्यूमन बॉडी का, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे. तब तक आप इसको अच्छे से याद करेगा. ठीक है, होप सो कि आपको बहुत अच्छे से ही क्लियर हो गया होगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.